ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में ऑनलाइन उपस्थित हमारे गुजरात प्रांत के समन्वयक अश्वनी भाई जानी जी, हमारे आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी के प्रांतीय जोनल समन्वयक संगीता बहन जोशी जी और हमारे रमेश भाई जोशी जी और हमारे अन्य पदाधिकारीगण आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी के और हमारे जो अन्य संगठन जो हमारा मेन संगठन है उसके पदाधिकारी और शांति कुंज के हमारे राष्ट्रीय समन्वयक और गुजरात जोन के समन्वय तथा हमारे आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी कार्यालय की जो सम बहन और हमारी ऋतु बहन तथा अन्य सहयोगी गण, आज आपकी संगठन की आओ बढ़े संस्कार पीढ़ी के संगठन की गोष्ठी रखी गई है। तो संगठन ये क्योंकि एक आठवां आंदोलन जो कि शांति कुंज में श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेया जी जी के मार्गदर्शन में चल रहा और उन्हीं ने सातवें आंसद आंदोलन में एक ही आठवां आंदोलन जोड़ा। तो कोई भी महत्वपूर्ण आंदोलन तभी सफल होते हैं जब कि उसकी शक्ति पहचानी जाती है और संगठन बनता है, और बिना संगठन के कोई भी आंदोलन सक्सेसफुल नहीं होता। आप देखिए, अगर सूर्य और उसके ग्रह नक्षत्र संगठित ना हो तो सृष्टि का अंत हो सकता है। हमारे अंग अवयव, हमारा हार्ट, हमारी किडनी, हमारा लीवर, जितने हमारे ऑर्गेन्स हैं, अगर ये आपस में सहयोग ना करें तो हमारे शरीर का अंत हो जाएगा। इसी तरह से संगठन, अगर हमारे संगठन में एकता नहीं है, संगठित नहीं है सब, तो वो व्यक्ति तो खत्म हो ही जाता है लेकिन संगठन को भी बहुत बड़ी हानि पहुंचाता है। संगठन की इतनी बड़ी शक्ति है कि थोड़े से लोग थे भगवान बुद्ध के साथ और उन्होंने पूरे एशिया में अपने विचारों का एक जाल बिछा दिया, जहां धर्म और विवेक को भगवान बुद्ध ने इम्पोर्टेंस दी, उसी के साथ साथ उन्होंने संगठन संघम शरणम गच्छामि कभी का उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण है संगठन, और इसीलिए उसका व्यापक रूप बनता चला गया। क्रिश्चियनिटी को देख लीजिए, संगठन के ही कारण पूरे विश्व की जनसंख्या का आधा भाग 200 वर्षों में क्रिश्चियंस हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर संगठन नहीं होगा तो फिर हमारा कोई भी कार्यक्रम जो है वो सफल नहीं हो सकता। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि संघ शक्ति कलो युगे, कलयुग में संघ शक्ति है। तो एकाकी अकेला चलो रे का तो काम ठीक है, जब कहीं थोड़ी बहुत काम हो रहा हो, कुछ लोग हो तो अकेला चलो का नारा ठीक है, लेकिन जब बहुत ही ज्यादा व्यापक रूप से काम करना है, एक आंदोलन चलाना है, एक ही विचारधारा के हजारों लोग चल रहे हैं, एक ही लक्ष्य में पहुंचना है, तो उसको बिना संगठन के काम नहीं चल सकता। अकेला डेढ़ चावल की खिचड़ी नहीं पक सकती है। तो इसी तरह से संगठन की महत्वपूर्ण शक्ति के कारण ये संगठन आज आपका बनने जा रहा है। तो संगठन का मतलब ही होता है कि एक लक्ष्य हो और एक दिशाधारा हो। अब आपका संगठन, हमारा संगठन, हमारे गायत्री परिवार का संगठन, इसकी शक्ति भगवान की है, इसकी योजना भगवान की है, और संरक्षण किसका है? ऋषि तंत्र का है, और नैष्टिक साधकों का इसमें जो है
वो सहयोग सहकार और उनका पुरुषार्थ लगा हुआ है। तो पुरुषार्थ और सहयोग के कारण हम और आप जुड़े हुए हैं किससे, ईश्वर से, ईश्वरी योजना से। और कहीं कहीं हम बहक जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये कार्य तो हमारे द्वारा हो रहा है, अवगुण संस्कारवान पीढ़ी का कार्य तो मेरे द्वारा हो रहा है, हम इसके पदाधिकारी हैं। अगर कहीं ये आ गया, कोई भी संगत, कोई भी आंदोलन है, तो वही गड़बड़ हो जाती है। एक बार ऐसे ही अहंकार देवताओं में आ गया, जीत गए, और जब जीत गए दानवों से, तो फिर अहंकार के कारण फिर वही शुरू होने लगा। तो ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई, ब्रह्मा जी यक्ष बन करके उनके पास गए और वहां खड़े हो गए दूर। तो इंद्र ने देखा कि भाई ये कौन शक्तिशाली व्यक्ति है जो हम लोग को यहाँ पे डराने के लिए आया है। तो उन्होंने पहले वायु को भेजा, वायु देवता को। वायु देवता पहुंचे यक्ष के सामने और कहने लगे, भाई यक्ष ने पूछा, आप कौन है? तो उन्होंने कहा, मैं वायु देवता हूँ, मैं पूरी दुनिया को अपनी हवा से एक मिनट में उड़ा सकता हूँ। उन्होंने फिर एक तिनका रख दिया कि लो उड़ा लो इसको, तो नहीं उड़ पाया। फिर अग्नि गए, अग्नि देवता गए, उन्होंने कहा, मैं एक मिनट में पूरी दुनिया को जला सकता हूँ। तो उसको नहीं जला पाए यक्ष का तिनका। तो भाई इंद्र ने सोचा कि भाई तो बड़े शक्तिशाली है, चलो हम चलते हैं। इंद्र गए तो यक्ष गायब हो गए, तो उनको ढूंढने निकल गए, तो उनको उमा मिली रास्ते में। उमा का मतलब है सदबुद्धि, बुद्धि, उनकी बुद्धि ने कहा, सद उमा ने कहा कि ये जिनको आप ढूंढने निकले हैं वो यक्ष नहीं थे, वो तो ब्रह्मा जी थे, और ब्रह्मा जी आपकी परीक्षा लेने आए थे कि आपकी जो शक्ति थी वो उन्होंने खींच ली, तो आप तिनका नहीं उड़ा सके, और जब उन्होंने आपको शक्ति दी तो आपने दानवों को जीत लिया। तो इसी तरह से कभी कभी हमारे और आपके अंदर अहंकार आ जाता है और हम और आप ये सोचने लगते हैं कि ये हमारे कारण हो रहा है, और जहां ये आया तहां हमारा अहंकार हमको जो है वो नीचे गिरा देता है, और हम खुद मरते हैं और दूसरों को भी गिराते चले जाते हैं। तो करना क्या चाहिए संगठन को बढ़ाने के लिए? सबसे पहला गुण ये है आत्मीयता, प्रेम, सहयोग। अगर आत्मीयता, प्रेम, सहयोग नहीं होगा, दूसरों को हम ऊंचा उठाने का प्रयास नहीं करेंगे। मान लीजिए हमारे कार्यकर्ताओं को वो आगे बढ़ना चाहता है, उसकी लेग पुलिंग करते रहेंगे, तो फिर ये काम होना बहुत मुश्किल है। जब भी कोई काम करें, हम आपस में विचार विमर्श करके करें, अकेले अपने आप अपना कार्य कर लिया और फिर भेज दिया, ये नहीं होना चाहिए। विचार विमर्श करके काम करना चाहिए और मिल बांट करके काम करना चाहिए। ये नहीं कि अकेले ही हम काम करते चले जा रहे हैं, दूसरों को हम काम दे ही नहीं रहे हैं, क्योंकि भगवान का काम है, हर आदमी की आत्मा भूखी है परम पूज्य गुरुदेव का काम करने के लिए, तो वो भी चाहता है कि हम काम करें, लेकिन हम काम ही नहीं देते उसको। तो इस कारण उनके कार्य की प्रशंसा करना, तो इन सब चीजों को यदि ध्यान में रखें और परम पूज्य गुरुदेव का एक नारा, एक सद्वाक्य कि दूसरों के साथ यदि हम वही व्यवहार करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद है, तभी जो है वो हम अपने संगठन को चला सकेंगे। जो अपने लिए पसंद है वही बोलिए, वही करिए और वैसा ही अपना व्यवहार करिए। तो ये सब कार्य से जो होता है संगठन बनता हुआ चला जाता है। और टूटता कैसे है? हम सभी जो हैं मिल करके काम करते हैं, और जहां कहीं श्रेय लेने का काम आता है वहां खुद को हम श्रेय देने लगते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, उनके कार्य का मूल्यांकन नहीं करते हैं। और दूसरा क्या है, हम पद के लिए और संयोजक बनने के लिए, वो क्यों संयोजक बनेगा, हम बनेंगे। अरे भाई, जिसको गुरुदेव चाहेंगे वही बनेगा। मान लीजिए आपको गुरुदेव नहीं चाहते और आप किसी कारण से बन भी गए, तो फिर आप खुद तो डूबेंगे और दूसरों को भी ले डूबेंगे। तो इसलिए शांति कुंज जो है, जहाँ की परम पूज्य गुरुदेव के दिशा निर्देश मिलते हैं, जहां से उनकी शक्ति मिलती है, वहां का जो निर्णय होता है उसको यदि हम निर्णय मान करके चलते हैं, तभी संगठन चलता है। और नहीं तो हम अपना ही श्रेय लेते रहेंगे, हम ही संयोजक बनेंगे, हम ही सब कुछ करेंगे, तो क्या होगा, अहंकार डूब निकलेगा। और अहंकार आ गया तो परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि वो एक पागल हाथी की तरह होता है। पागल हाथी क्या करता है, खुद तो मरता ही है और अपने कुनबे को भी मार देता है। तो यही होता है,
हम खुद तो नीचे गिरेंगे, हम खुद तो गलत काम करेंगे, लेकिन पूरा संगठन हमारा टूटता चला जाएगा। जिस लक्ष्य के लिए हम आगे बढ़े हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो आपका इसमें स्क्रीन शेयरिंग कर, ये जो आठवां आंदोलन है आपका, ये देखिए एक साल पहले 1 फरवरी को के जो प्रज्ञा पाक्षिक था उसमें ये आंदोलन, हमारे जो 7 आंदोलन थे उसमें ये देखिए ये 8वां आंदोलन गर्भ संस्कार महोत्सव का आंदोलन ये जोड़ा गया था। तो इसका मतलब ये है कि ये शांति कुंज के द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन है जो कि ईश्वरी इच्छा से चल रहा है और हम और आप उसमें केवल छोटा सा गिलहरी का काम कर रहे हैं। हम आपको एक परम पूज्य गुरुदेव की बुक है संस्कारों की परंपरा का पुनर्जागरण, ये अभी हमको पढ़ने में आई थी, तो ये हमने जो है इसको आपको सुनाना चाहा कि ये भी पता लगे कि ये कार्यक्रम इन दिनों कितना इम्पोर्टेंट था जो कि हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब और जी जी ने शुरू किया। उन्होंने लिखा है उस किताब के जो 2 शब्द होते हैं कि भारतीय संस्कृति के देवदूत स्वामी विवेकानंद ने सन 1876 में मद्रास के म्युनिसिपल हॉल में भारत का भविष्य पर भाषण देते हुए घोषणा की थी कि आगे भारत का पुनः श्रेष्ठ को आगे श्रेष्ठतम बनना है, इसके लिए संगठित प्रयासों और आध्यात्मिक शक्ति संग्रह की आवश्यकता पड़ेगी। आपका जो संगठन है वो आध्यात्मिक शक्ति का संगठन है, आपकी जो लाल मशाल है वो आध्यात्मिक शक्ति की संगठन है। तो हमारे ख्याल से उनका इशारा इसी तरफ था। जन जन को संस्कृति का समुचित बोध कराना होगा लौकिक शिक्षा के साथ साथ, मतलब जो हम अपने स्कूल में पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उसके साथ साथ संस्कारों की शिक्षा भी देनी होगी। आप देखिए इसी समय यूनिवर्सिटी में वहां कानपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी और आपकी BHU में, इसके अलावा आपका मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी में और ज्यादातर गवर्नर ने ये आश्वासन दिया है कि ये कार्य जो है हम यूनिवर्सिटी में युवाओं के लिए जोड़ेंगे। तो वो कह रहे हैं संस्कारों की भी शिक्षा देनी होगी, चल पड़े हैं और ऐसा ही काम आपके गुजरात में भी होना है। इसके लिए देवालयों को पुस्तकालयों और शिक्षणालयों के रूप में देना होगा। आपके जो ये जितने भी शक्ति पीठे हैं, प्रज्ञा पीठे हैं, महिला मंडल है, प्रज्ञा मंडल है, इनको जो है अब आपका देखिए आप जो है ये शिक्षण का काम शुरू कर रहे हैं। ये जो आपको शिक्षण प्रशिक्षण आप दे रहे हैं ये यही कार्य है जो कि हमारे विवेकानंद जी ने 1896 में कहा था। इसके लिए उनका मन था कि देवालयों से जुड़ा हुआ, आपकी शक्तिपीठों से जुड़ा हुआ देखिए एक तंत्र है, ऐसा जुड़ा हुआ एक तंत्र हो जो धार्मिक संस्कारवान शिक्षक प्रचारक तैयार करे, और आप कर भी रहे हैं शक्तिपीठों से। और ये जो कार्यक्रम है आओ बढ़ने का, इसमें तो बहुत ज्यादा आपको प्रचारक तैयार करने हैं, शिक्षक तैयार करने हैं, जिसका प्रशिक्षण आपके यहाँ हो चुका है और फिर होगा। इस प्रक्रिया को देश भर में विस्तार हो, धन साधन इसके लिए दौड़ते चले आएंगे। आप देखिए कितना आपके कमी नहीं कभी पड़ती पैसे की, हमेशा मिलता रहता है। जूम है तो जूम मिल जाएगा, जहां भी आपके कार्यक्रम होंगे पैसे आ जाएंगे। इसके लिए उत्साह उल्लास से भरे 9 युवक आगे आएंगे। आप देखिए युवा वर्ग आगे आ रहा है, सब यूनिवर्सिटी के बच्चे और सब आगे आ रहे हैं। आने वाले उज्जवल भविष्य की अगवानी की तैयारी की जाए, अब ये गुरुदेव कह रहे हैं आगे आने वाले उज्जवल भविष्य की अगवानी तैयारी की जाए। इस पूर्व कथन का इन्हीं दिनों चरितार्थ होना निश्चित है। अब वो चरितार्थ होना निश्चित है, हो भी रहा है। आप देखिए इसी के माध्यम से अच्छा हो इसका श्रेय परिजन आगे बढ़कर शिरोधार करें। आप सभी भाग्यशाली हैं कि आपने इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया है। ऋषियों द्वारा विकसित संस्कार प्रणाली को नए संदर्भ में प्रयुक्त करने के लिए संबद्ध हों, मतलब आपकी संस्कार प्रणाली थी अभी तक, उन सबन संस्कार होते थे, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि इसको नए संदर्भ में, आप देखिए वैज्ञानिकता आप बता रहे हैं और नए संदर्भ में हो रहा है, सब लोग इसको बताएं। इसी आधार पर ऐसे संस्कार युक्त महामानव निर्मित होंगे जो धरती पर स्वर्ग को की कल्पना को साकार
रूप देने में समर्थ होंगे। आप देखिए ये भविष्यवाणी कब की है, और परम पूज्य गुरुदेव की ये पुस्तक बहुत पुरानी है जिसमें उन्होंने लिखा है, जिसकी प्रेरणा उन्होंने श्रद्धेय डॉक्टर साहब को दी, श्रद्धेय जी जी को दी, और आपका आठवां आंदोलन शुरू हुआ, और जिसमें कि आप लोग पूर्ण निष्ठा से काम कर रहे हैं। और बड़े हर्ष का बात है कि हमारे आवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी ने आपके जो हमारे गुजरात का संगठन है उससे मिल करके ये जब काम किया था तो आपने बहुत ज्यादा सहयोग किया था डाटा कलेक्शन में, और उस डाटा कलेक्शन का नतीजा ये हुआ कि ये एक पेपर लिखा गया हमारे शांति कुंज के जो ये वर्ष चल रहा है स्वर्ण जयंती वर्ष जो हमारे शांति कुंज का चल रहा है उसके लिए ये आवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी का एक जो है ये पेपर लिखा गया, और उस पेपर में आवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी के गर्भोत्सव आंदोलन से भारतीय समाज एवं गर्भवती माताओं में क्या जागृति आई, ये जब भेजा गया तो ये इंटरनेशनल जर्नल में देखिए छप गया, ये इंटरडिसिप्लिनरी इंटरनेशनल जर्नल में ये पेपर छप गया है। तो देखिए जो गुरुदेव चाहते हैं कि ये जो है एक अच्छे साइंटिफिकली ये जो है हमारा गर्भ संस्कार हो, तो अब इसको आप पुंसवन संस्कार ना कह करके इसको आप गर्भ संस्कार के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए ये संगठन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना शक्तिशाली है, इसलिए आज संगठन की ये गोष्ठी रखी गई आपके गुजरात प्रांत में। आपके पूरे गुजरात प्रांत को दो जोन में बांटा गया है काम की सुविधा के लिए, काम को और अच्छा बनाने के लिए। अगर एक ही आदमी के ऊपर भार रहेगा तो कैसे कर लेगा। अब तरह तरह के काम होते हैं, अपने भी होते हैं, ऑफिस के भी होते हैं, तो इसलिए दो लोगों को कार्य दिया गया। तो दो लोग आपके कौन हैं, हमारी संगीता बहन जोशी जी हैं, हमारे जो हैं वो रमेश भाई जोशी जी हैं, तो ये आपके प्रांतीय समन्वयक हैं। इसके अलावा 8 आपके उप जोन समन्वयक और 8 सह समन्वयक उप जोन के हैं, और इसी तरह से जो है आपके जनपदीय समन्वयक जो है वो 39 है और सह समन्वयक भी 39 है, और जनपदी सहयोगी हजारों हैं, बहुत सारे हमारे हर जनपद में। जनपद क्या है हमारा, जनपदी सहयोगी जो होते हैं वही हमारा कार्य क्षेत्र है, उन्हीं की इम्पोर्टेंस है, वही बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो उनके काम के कारण जो है आज हम लोग शांति कुंज के द्वारा आपकी वजह से ये पेपर सबमिट कर पाए और इंटरनेशनल पेपर ये चला गया। तो गुजरात प्रांत में हमारे रमेश भाई गणपत राम जोशी जी, ये हमारे प्रांतीय या जोनल समन्वयक कहिए, संगीता बहन विष्णु भाई जोशी जी भी हमारी जोनल समन्वयक प्रांतीय समन्वयक हैं। इसी तरह से अब इनका उप जोन बांट दिया गया, हमारे रमेश भाई जी को अहमदाबाद, बड़ोदरा, पंचमहल और सूरत दिया गया, और संगीता बहन को गांधीधाम, जामनगर, अमरेली और महसाणा दिया गया। अपने अपने जोन के अपने अपने उप जोन की जिम्मेदारी इनको ले ली है, इन्होंने पहले भी ली हुई थी और बहुत अच्छा संचालन किया था, लेकिन फिर से क्योंकि नए सिरे से ये फिर से ये हो रहा है, रिवाइज हो रहा है, इसलिए आप सभी को बुलाया गया। अब प्रांत गुजरात के जोन 1 के हमारे जोनल समन्वय कौन है, रमेश भाई गणपत राम जोशी जी, और इनके जो उपजोन हैं तो उपजोन अहमदाबाद में जो उपजोन समन्वयक हैं वो कृणाल महेंद्र भाई पटेल जी हैं, और सह समन्वयक तृप्ति कृणाल भाई पटेल, ये उनकी सह समन्वयक है। बड़ोदरा के उपजोन समन्वयक दिव्या बहन चौहान जी हैं, और सह समन्वयक हैं किरण भाई पटेल जी। पंचमहल के जया बहन बरिया जी और उनके सह समन्वयक हैं मीना कुमारी सिसोदिया जी। सूरत की जो उपजोन समन्वयक मीनाक्षी बहन बारोट जी और सह समन्वयक अनिला बहन मिस्त्री जी। अब गुजरात जोन 2 की जिसकी हमारी जोनल समन्वयक संगीता बहन विष्णु भाई जोशी जी हैं, उनके उनके गांधीधाम उप जोन के जो समन्वयक हैं वो अनुराधा बहन मोटवानी जी और सह समन्वयक विष्णु भाई जोशी जी। जामनगर के समन्वयक चंद्राबा राठौड़ जी और सह समन्वयक दर्शना बहन पांड्या जी। अमरेली के समन्वयक
शीतल बहन मेहता जी और सह समन्वयक सुश्री बसंत बहन जी, मेहसाणा के समन्वयक गीता बहन एन पटेल जी और सह समन्वयक सुशीला बहन बी प्रजापति और कृष्णा बहन बी चावड़ा जी। तो इस तरह से आपके ये उप जोन समन्वयकों को, अब हम जिला समन्वयकों की बात करेंगे। तो उप जोन अहमदाबाद में ये आपके पांच जो है ये जनपद आते हैं, जिसके कि हमारे समन्वयक महन भाई पटेल जी हैं और कृष्ण भाई पटेल जी सह समन्वयक हैं। अब अहमदाबाद जो हमारा जनपद है उसकी जो जनपदी समन्वयक हैं वो हमारी दीप्ति बहन पटेल हैं और सह समन्वयक जो है रमीला बहन पटेल जी हैं। लेकिन इनके सहयोगी देखिए बहुत ज्यादा हैं, जिसके जितने ज्यादा सहयोगी होते हैं उस वो उतना ही अच्छा काम कर पाता है, क्योंकि केवल शहरी क्षेत्र में आपको काम नहीं करना है, हमें गांव-गांव में बिल्कुल रिमोट एरियाज में जाना है। तो जितने ही ज्यादा आप काम करेंगी उतने ही आपके सहयोगी बनेंगे। इसका मतलब कि हमारे अहमदाबाद की बहनों भाइयों ने मिलकर बहुत काम किया है। और सहयोग कौन है सहयोगी? विकास मिश्रा जी, बीना बहन, रमीला बहन, वो पटेल जी, भीखी बहन, गीता बहन, राजू भाई, नैना बहन, कृष्णा बहन, भानु भाई, केशु भाई, किरण बहन और ये बहुत सारी बहनें, इतनी सारी बहनें भाई हमारे जो हैं वो हमारे सहयोगी हैं। कहाँ के? अहमदाबाद के। अब सबका नाम तो इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि बहुत देर हो जाएगी, और ये सारी लिस्ट जो है आपके अहमदाबाद में पहुंच जाएगी और इनका आपका सबका रजिस्ट्रेशन होगा और वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप तक पहुंच जाएगा। कोशिश करेंगे कि इसी महीने में हमारी ज्योत्सना बहन जो है इसको तैयार करके आपके पास पहुंचा दें। इसी तरह से गांधीनगर में जो है वो जनपदी समन्वयक जो है वो रीटा बहन दलाल जी और सह समन्वयक हमारी भारती बा चावड़ा जी, उनकी सहयोगी 24 हैं, हर्षिता बहन, दिवाली बहन, मीरा बहन, चंद्रिका बहन, पारुल बहन पटेल, पुष्पा बहन पटेल, धर्मनिष्ठा व्यास, हसुमती बहन, प्रभा बहन और रश्मि बहन जी। और इसी तरह से ज्योत्सना बहन, चंद्रिका बहन और धीरू भाई, दीना बहन, जीवड़ भाई, दिव्या बहन, कंचन बहन, भारती बहन, निर्मला बहन, सूक्ष्मा बहन, सीता बहन और चेतना बहन और कलावती पटेल। इस तरह से खेड़ा में जो जनपदी समन्वयक हैं वो जयंद्रिका बहन जेशा और सह समन्वयक नीला बहन, इनके पास 18 सहयोगी हैं। अब इनको थोड़े से सहयोगी बढ़ाने हैं, तो सहयोगी कौन है? दक्षा बहन पटेल, सीमा बहन पटेल, सरोज बहन, शारदा बहन, मधु बहन, छाया बहन, हसुमती बहन, गौरी बहन, वंदना बहन और पुष्पा जी, सुधा, नर्मदा जी, हसमुख भाई और धर्मस्या बहन, अमिता बहन, मनोरमा पी और किरण वीरेंद्र भाई। अरवली की हमारी हैं श्रीमती अमिता बहन प्रजापति समन्वयक हैं, सह समन्वयक प्रीति बहन भट्ट हैं और सहयोगी इनके 79 हैं, बहुत ज्यादा। अरवली हमारा इसका मतलब बहुत काम कर रहा है, उसमें पटेल चेतना बहन, विनू भाई और जिग्ना बहन, अलका बहन, कंचन बहन, गीता बहन, शर्मिष्ठा बहन, कविता बहन, लक्ष्मी बहन, वर्षा बहन, उपासना बहन, भानु बहन, नीता बहन, नैना बहन और इसके अलावा ये देखे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। गुरुदेव से कंधे से कंधा मिला करके ये जरूर ही ऐसा बना देंगे सब मिल करके कि आपके यहाँ गुजरात में वो आत्माएं, वो दिव्य आत्माएं जो इंतजार कर रही हैं अंतरिक्ष में कि इस नए युग के लिए हमको नीचे आना है और ऐसी जगह ढूंढ रही है कि हम किस गर्भ में जाएं कि हम उस युग निर्माण के कार्य में आगे आ करके अपना जीवन धन्य बना सके। और ये बहनें मिलकर, भाई लोग मिलकर के आपके गुजरात में जरूर वो आत्माएं आएंगी जो आगे बढ़ाएंगी। तो इस तरह से साबरकांठा में जो आपकी समन्वयक हैं वो योगिना बहन और सह समन्वयक मीना बहन, 24 इनकी सहयोगी हैं, चंद्रिका बहन, सूर्य बहन, अमिता बहन, जागृत बहन और दमयंती बहन जी, इंदु बहन, जर्सी बहन, जया बहन और तुलजा बहन और कोकिला बहन। और इस तरह से आपकी बहुत सारी बहनें हैं जो कि इस काम को कर रही हैं, गायत्री, दरिया
और सुशीला जी, भगवती, सुलोचना, जिज्ञासा, पिंकी बहन, मीना, कैलाश, कोकिला बहन, निर्मला, ललिता, मंजुला, नंदी बहन। तो इस तरह से अब आपका उप जोन बड़ोदरा आया। बड़ोदरा में भी आपके पांच जो हैं ये जनपद हैं, जिसके उप जोन समन्वय दिव्या बहन चौहान जी हैं, सह समन्वय किरण भाई पटेल जी हैं। अब बड़ोदरा जनपद की जो समन्वयक हैं वो निशा बहन रवि प्रकाश जोशी जी, और सह समन्वयक हैं भारती बहन मकवाड़ा जी। आपके पास 15 हमारे सहयोगी हैं और होंगे। बड़ोदरा तो बहुत बड़ी जगह है जहाँ आपने हजारों जन गर्भ संस्कार कराए हैं। हमारे ख्याल से आप सब ने अपने सहयोगियों के नाम नहीं दिए हैं, अब देते रहिएगा तो उनका भी रजिस्ट्रेशन होता रहेगा। तो सहयोगी कौन है? भारती बहन, नीरज बहन, नीरज भाई, भावना, नीता, गीता, दीपिका, सुमित्रा, आशा, किस्मत बहन और मीना बहन, पूजा जी, पार्वती बहन, जागृति बहन और दीपिका, पद्मा बहन, लीला, जागृति बहन पटेल, मीना बहन और सुमित्रा बहन तथा दक्षिणा बहन। नर्मदा जनपद की हमारी जनपदी समन्वयक हैं शशिकला बहन दवे, और जनपदी सह समन्वयक हैं पारुल बहन चौहान। इसके अलावा केवल 9 जो हैं इनके पास सहयोगी हैं, रंजना बहन, इंदु बहन, ममता, अमिता, कला बहन, रेखा बहन, छाया बहन, प्रतीक्षा बहन, शीला बहन, स्मिता एम पंचाल। भरूच में हमारी समन्वयक हैं जनपदी समन्वयक संगीता बहन पटेल जी, सह समन्वयक हैं वैशाली बहन परमार जी, और सहयोगी 21 हैं उसमें बीना जी, सुषमा, महेश भाई, लालू भाई, प्रमिला बहन, नैना बहन, धूरा भाई, कनु भाई और इंदिरा बहन। देखिए भाइयों की भी भरूच में हमारे बहुत बड़ा अच्छा योगदान है। इस तरह से जागृति, पंकज, शांति, जागृति, भगवती, कमलेश भाई, महेंद्र भाई, ज्योत्सना बहन, अनिता बहन, चंपक भाई। आनंद में हमारी जो जनपदी समन्वयक है वो भावना बहन सोलंकी और अजय गुप्ता जी हमारे सह समन्वयक हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने हमारे गायत्री परिवार को, मतलब शांति कुंज का, आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी का, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के एक ऐप बना दिया है, जो कि हमारी गर्भवती माताओं के लिए बहुत ही ज्यादा सहयोगी होगा। शीघ्र ही ये जो है चालू हो जाएगा। 16 सहयोगी हैं और भी होंगे, रीटा बहन, धर्मेश भाई, भावना जी, टीना, भरत भाई, जिग्ना बहन, शोभना बहन, चारू, सुधा, लीना, बालकृष्ण, रावजी भाई, अनिला, मंजू, अंजू, भावना, जयंती भाई और हंसा बहन। इस तरह से छोटा उदयपुर, वहां की जनपदी समन्वयक हमारी मधु बहन पटेल हैं और सह समन्वयक सविता बहन पटेल हैं। 9 सहयोगी हैं। उदयपुर तो अच्छी जगह है, तो आपको अपने बढ़ाने होंगे सहयोगी। 9 सहयोगी कैसे काम करेंगे पूरे शहर से लेके गांव तक? रमण भाई, दामा भाई, राठवा, सुखराम भाई, गायत्री बहन, अरुणा बहन, पुष्पा बहन, शकुन बहन, प्रमिला बहन, सुधा बहन और रीनू भाई। अब आपका उप जोन है पंचमहल। तो पंचमहल में 3 आपके केवल जनपद हैं, पंचमहल, महिसागर और दाहोद। और यहाँ के उप जोन समन्वयक दिव्या बहन चौहान बड़ोदरा की हैं, और सह समन्वयक हमारे किरण भाई पटेल जी, वो भी बड़ोदरा के हैं। अब पंचमहल जो जनपद है उसकी जनपदी समन्वयक ललिता बहन बारिया, सह समन्वयक सविता बहन सुथार, और जो आपके सहयोगी 10 हैं, ज्योत्सना जी, मधु बहन, गीता, सविता, सरोज, रमण भाई, दिलीप भाई, ललिता बहन, मधु बहन और केवल सिंह जी। महीसागर में जो समन्वयक जिला समन्वयक हैं वो हमारी नीरू बहन जोशी, और सह समन्वयक मधु बहन, नरेंद्र सिंह सोलंकी, और सहयोगी इनके पास बहुत अच्छे हैं, 23 हैं, परेशा बहन पांड्या, मीना कुमारी सिसोदिया, नीरू बहन, मधु, प्रफुल्ल, कोकिला, दक्षा बहन, लीला बहन, कांता बहन। तो इस तरह से ये बहुत सारे सहयोगी हैं। अब दाहोद,
दाहोद की जो जनपदी समन्वयक है वो धर्मनिष्ठा लवाना जी, जनपदी सह समन्वयक जयश्री बहन दर्जी जी, और फिर 37 इनके पास सहयोगी हैं, मनीषा, रूबी, नीतू, गीता, लता, दर्शना, चेतना, मनीषा, बिंदु बहन, संगीता, मीना बहन, मनीषा बहन, लता बहन, और ये सारे सहयोगी हमारे उनके हैं दाहोद के। अब उपजोन सूरत, उपजोन सूरत में बहुत सारे जिले हैं जिसमें कि बहुत सारे ये जिले काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ अभी हमारा मिशन शायद फैला नहीं है। तो ये मिशन फैलाने के लिए आपका ये आओ गणे संस्कारवान पीढ़ी का कार्यक्रम जो है ये फैल सकता है क्योंकि इसमें ना ज्यादा यज्ञ की जरूरत है, ना ज्यादा गायत्री मंत्र की जरूरत है, खाली अवेयरनेस प्रोग्राम की जरूरत है। इन जगह तो बताएंगे आपको। तो इसमें आते हैं सूरत, नौसारी, बलसाड़, तापी, डांग, तो यहाँ पे काफी अच्छा काम है, लेकिन दादरा नगर हवेली, दमन और सेल्वास में अभी कार्य शुरू शायद नहीं हुआ है। तो यहाँ की उपजोन समन्वयक मीनाक्षी बहन बारोट जी हैं और अनीता बहन मिस्त्री जी हैं। अब ये दोनों बहनों को अब इन जगह में पहुंचना है और कैसे पहुंचना है ये आपको बताया जाएगा कि कैसे आप विभिन्न माध्यमों से यहाँ तक पहुंच सकती हैं ऑनलाइन। तो ये हो गया। इसके बाद उपजोन सूरत, जनपद सूरत जो है आपका, जनपदी समन्वयक मीनाक्षी बहन बारोट जी और ये हैं, और सह समन्वयक अनीता बहन मिस्त्री जी वहां की जनपदी समन्वयक भी हैं और ये हमारे उपजोन समन्वयक भी हैं। तो और सहयोगी 25 हैं, मनु भाई, भानु बहन, अनीशा, जागृति, प्रतिभा, मीनाक्षी, नैना बहन, सीता, निर्मला, उर्मिला, इंदिरा, छाया, मनु बहन, देविका, गीता, प्रति बहन, नीरू बहन, सुरेश भाई, जया, पुष्पा, निमिषा, तारा बहन, अंजू, गोविंद भाई और भरत भाई। अब नौसारी में जो हमारी हैं वो जनपदी समन्वयक सरोज बहन पटेल हैं और सह समन्वयक रेखा बहन गांधी हैं, 27 इनके पास सहयोगी हैं, नीता बहन देसाई, चचन बहन, भारती जी, सरोज, जया, अंजू, भावना, हंसा, चार्मी, प्रभा बहन और राजेश, राजेश्री बहन, लाजवंती, नैना बहन, भारती, रेखा, कंकु, अर्चना, नीता, उर्वशी, अंजू, वसुधा, उमा, जयेश भाई, ज्योति बहन, ईला बहन, गीता बहन, कामनी बहन। बलसाड़ की हमारी जो समन्वयक हैं जनपदी वो हसमुख भाई हमारे हैं और सह समन्वयक नीता बहन हैं, 17 इनके पास सहयोगी हैं, ललिता बहन, रमा जी, मालती, सोहिनी बहन, ज्योत्सना, दक्षा, हंसा और ये सारी हमारी बहने भाई जो है ये इनके सहयोगी। अब जनपद तापी, तापी में जनपदी समन्वयक नूतन बहन और सह समन्वयक भावना बहन मिस्त्री जी है। अच्छा, भावना बहन मिस्त्री जी दो जगह आती हैं, तीन जगह। अच्छा, ये दो हैं बता रही हैं ज्योत्सना जी, भावना बहन मिस्त्री जी। अब जनपदी सहयोगी जो हैं वो रमा भाई, लालता प्रसाद, चतुर भाई, कमला बहन, गोविंद भाई, नंदचंदन बहन, बालू भाई, नीरू बहन, इंद्रास भाई और इंदु जी, लाल जी, लीला बहन, प्रदीप जी और आपके ये डांग, दादर नगर हवेली, दमन, सेल्वास मिल है। तो कैसे कर सकते हैं? एक आध तो कोई जरूर यहाँ कार्यकर्ता होंगे, तो आप यज्ञ के माध्यम से नहीं जा सकते, आप मान लीजिए पंचदेव चित्र की स्थापना के लिए नहीं जा सकते, मान लीजिए आप जो है ये गंगा जली स्थापना के लिए नहीं जा सकते, लेकिन एक अच्छा बच्चा प्राप्त करना हर आदमी चाहता है। तो अच्छा बच्चा जो एक उनको उनके उनका प्रखर प्रतिभाशाली गुणवान संतान प्राप्त करना सब चाहते हैं, तो वहां के लोग जो कुछ लोग आपके जान पहचान के नहीं है तो ऑनलाइन पता लगाइए कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं, संस्थाएं हैं जहां पे आप केवल जागरूकता का कार्यक्रम कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कार्यक्रम जब आप करेंगे और दिखाएंगे कि बच्चा गर्भ में क्या करता है, जब आपका प्रशिक्षण होगा, वैसे
तो आप लोग जानते हैं। तो जो पहला लेक्चर है उसमें साइंस एंड सिग्निफिकेंस, वैज्ञानिकता गर्व की, अगर वो आप दिखाएंगे वहां पे किसी भी तरीके से, चाहे आप व्हाट्सएप के द्वारा, चाहे आप जिस भी माध्यम से, तमाम सारे आजकल माध्यम है, अगर वहां पे आप फ्लोट कर दीजिए उसकी इतनी अच्छे गुणवान बच्चे के लिए, आप एक ये वीडियो है इसको देखिए, या आपका कहीं लेक्चर हो जाए, तो बहुत अच्छे से अच्छे बच्चे के लिए हर आदमी तैयार रहता है और वो आपका वो लेक्चर सुनेगा और कहेगा भाई बताइए इसके लिए क्या करना है गर्भवतियों को। तो जब आपका होगा तो आप ये मत कहिए कि उनका हमें संस्कार कराना है, आप कहिए उनको हम योग व्यायाम प्राणायाम ध्यान बताएंगे, उनके आहार के बारे में बताएंगे, उनकी आदर्श दिनचर्या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताएंगे, वो अपने गर्भ से संवाद करके कैसे गुणों का आवाहन कर ले, अवगान कर ले, उनके अंदर इम्प्लीमेंट कर दे, तो ये सारी बातें बताएंगे और तब वो लोग जुड़ेंगे। अगर आप कहेंगे हम तो संस्कार कराएंगे, हम तो यज्ञ कराएंगे, तो शायद ना जुड़े, हो सकता है वो अपने उसमें हो, तो इसलिए इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। अब उप जोन जामनगर, जामनगर में आपके एक दो तीन चार पांच छह जिले आते हैं, छह जनपद हैं, और यहाँ की उप जोन समन्वयक चंद्रबा राठौर हैं और सह समन्वयक हमारी दर्शना बहन पांड्या जी हैं। तो यहाँ की हमारी जो जोनल समन्वयक हैं वो संगीता बहन है जोशी जी, और उप जोन जामनगर की जो हमने बताया आपको, और जामनगर की जो समन्वयक है हमारी वो सुधा बहन है, और शीला बहन राबड़िया जी हैं। इनके पास 15 सहयोगी हैं, पीसी बसोया, शैल बहन, निशा बहन, ज्योत्सना, उषा, दीपा, सुनीता, धर्मनिष्ठा, अनसुईया बहन, शारदा जी, हेमलता, प्रफुल्ल, सीमा बहन, अनसुईया बहन, चंद्रिका बहन, और ये पोरबंदर के जो हमारे जनपदी समन्वयक है मंजू बहन खुदाई, और सह समन्वयक है कृष्णा बहन थान की। इनके 30 सहयोगी हैं, उषा जी, अंजना, कृष्णा, चंद्रिका, प्रफुल्ला, अजया, सती, आर, केश वाला, हेतल बहन, निशा, सुमरी, किशोरी, रेखा बहन, और ये सब बहुत सारी बहनें हैं भाई। राजकोट की जो हमारी जनपदी समन्वयक है प्रफुल्ला बहन, बसंत भाई ठक्कर, और पंकिता बहन जानी जी सह समन्वयक हैं। इसके अलावा रमा बहन सिद्धपरा, उषा बहन ठक्कर, दिलीप भाई, दारा बहन, हितेश भाई, और ये 56 राजकोट में बहुत अच्छा काम इसका मतलब हो रहा है। हमारे 3 वहां पे ग्रुप हैं और 2 शक्तिपीठे हैं और तीसरी भी शायद प्रज्ञा पीठ है, तो ये सारे लोग मिलकर के बहुत बढ़िया काम हमारे राजकोट में चल रहा है, और सहयोगी देखिए कितने सारे हैं। अब ये है सुरेंद्र नगर, सुरेंद्र नगर के जनपदी समन्वयक जय भाई, उर्मिला बहन सह समन्वयक, 15 इनके पास सहयोगी हैं, हरपाल सिंह जी, परेश भाई, मेहुल भाई, विपुल भाई, सब भाई इसमें सहयोग कर रहे हैं, महेश भाई, ब्रजेश भट्ट जी, कल्पना बहन, मंजुला बहन, और ये सारे हमारे सहयोगी। इसके अलावा देवभूम द्वारिका, वहां की चंद्रिका बहन रावल समन्वयक हैं, उषा बहन चोपड़ा जी सह समन्वयक हैं, और सहयोगी इनके पास प्रफुल्ला बहन, धर्मा, निष्ठा बहन, और यहाँ का तो देव बहुत सारी लिस्ट आई थी और इसमें दर्शाई नहीं गई है ज्योत्सना जी, तो यहाँ पे देवभूम द्वारिका की बहुत बड़ी लिस्ट थी, तो खैर कोई बात नहीं है, नहीं होगी तो आप लोग भेज दीजिएगा तो फिर से हम इसको लगा देंगे इसमें। अब मोरवी में जो है वो हमारी जनपदी समन्वयक रमा बहन पंडसुबिया जी और सह समन्वयक मंजू बहन गदारा जी, और सहयोगी इनके पास धन है, ध्रुवी, कुंदन, मीना, कंचन, कुसुम्बा, अल्पा बहन, कृष्णा जी, हीना बहन, भावना, तो इस तरह से आपके बहुत। अब उप जोन अमरेली, अमरेली में भी हमारे अमरेली, भावनगर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अच्छा गिर सोमनाथ है, भोटाल और देव, तो अमरेली में हमारी जो जनपदी समन्वयक है शीतला बहन मेहता जी और सह समन्वयक बसंत बहन, और सहयोगी बहुत कम है, शीतला बहन जी को बहुत काम करना है हमारी, और हमारी उसमें बसंत बहन दोनों मिल करके अमरेली को बिल्कुल मत देंगी, और यहाँ पे जो गुरुदेव की ये नई
योजना चल रही है इसको करके अपना जीवन धन्य बनाएंगी, श्रेय सम्मान की भागीदारी होंगी जब अमरेली में आप इस कार्य को करेंगी और अपने ऊपर इसकी जो है वो रिपोर्ट भेजती रहेंगी। भावनगर जनपद में सरोज बहन नाई जी और आशा बहन उपाध्याय जी सह समन्वयक हैं। 14 इनके पास जो हैं वो सहयोगी हैं, उषा बहन, वल्लभ भाई, नैना बहन, भारती बहन, बीना, सरोज, सुमित्रा, दर्शना, धर्मनिष्ठा, भागीरथी और भागीरथ भाई, रेणुका बहन, नंदलाल, नरेंद्र भाई और सुधा भाई। जूनागढ़, जूनागढ़ के जनपदी समन्वयक दक्षा बहन पालनपुरा और सह समन्वयक दीना बहन पटेल और सहयोगी 16 मीना बहन, रीटा बहन, मनु बहन, लाभू और नर्मदा, तपस्वनी, भारती बहन और ये सारे उनके सहयोगी हैं जूनागढ़ के। सोमनाथ, गिर सोमनाथ में देखिए, अच्छा गिर सोमनाथ है, गिर सोमनाथ में मोती बहन चावड़ा जी समन्वयक और सह समन्वयक रमा बहन, मेरा मर भाई मोरी जी और समन्वयक इनके जनपद सहयोगी जो हैं 48 हैं। जया जादू, जादू बहन गोस्वामी, दक्षा बहन, हंसा, वर्षा बहन, नीता बहन, हर्षा, हर्षा बहन और गीता देवी बहन और ये सारे इतने सारे सहयोगी हैं। देखिए जहाँ सहयोगी ज्यादा होते हैं वहाँ काम भी बहुत बढ़िया होता है। बोटाद में जनपदी समन्वयक हिरेन पी संधाड़ी जी और सह समन्वयक कोकिला बहन, इसके बाद फिर इनके सहयोगी भारती ज्योत्सना, भारती बा और भारती बहन दवे, कृष्णा कांसा। दीव में अभी हम नहीं पहुंच पाए हैं तो शीतला बहन मेहता जी को और सुश्री बसंत बहन को और हमारी संगीता बहन जी भी अगर थोड़ा मदद करेंगी तो दिव्य भी हम लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि अच्छा बच्चा सबको चाहिए। उप जोन महेशाणा में महेशाणा, पाटक, पाटन और बनासकांठा ये है इनके उप जोन समन्वयक संगीता बहन एल पटेल और सुशीला बहन पी प्रजापति और कृष्णा बहन चावड़ा जी सह समन्वयक है। महेशाणा में जनपदी समन्वयक कैलाश बहन और सह समन्वयक शोभना बहन ए पटेल जी और जनपदी सहयोगी 35 हैं, कोकिला, गीता, सविता, नीला, सुशीला, जशोदा, कुसुम बहन और ये सारे सहयोगी हैं। पाटन में जनपदी समन्वयक मधु बहन पटेल जी और सह समन्वयक मुकेश भाई पटेल जी और ये सहयोगी देखिए इनके 40 हैं। नीलम कुमारी, कैलाश बहन, संगीता बहन, जम्मू बहन, मंगू बहन पटेल और मधु बहन, गीता बहन, निसंजना, प्रज्ञा, गीता और ये सारे ये जो है सहयोगी हैं। बनासकांठा में जनपदी समन्वयक कृष्ण बहन बी चावड़ा और सह समन्वयक वर्षा बहन जोशी और इनके सहयोगी 29 हैं, अशोक, भारती बहन, हसुमती, ईला बहन, जागृति बहन, मनीषा बहन और भावना बहन और ये सारे के सारे लोग जो हैं ये सहयोगी के रूप में हैं। उसके बाद है कच्छ और भुज, गांधीधाम उपजोन आता है और इसकी अनुराधा बहन मोटवानी जी हमारी उपजोन समन्वयक है और उपजोन समन्वयक और सह समन्वयक हमारे विष्णु भाई जोशी जी हैं और यहाँ के जनपदी समन्वयक जो हैं वो वैशाली बहन पाटिया जी और सह समन्वयक भावना बहन भौसाल जी और यहाँ 23 हमारे सहयोगी हैं, उषा, उषा बहन, जयश्री बहन, पूजा, भावना बहन, वैशाली, उषा बहन बारोट, दक्षा बहन, रंजना बहन, हार्दिका बहन और रूपा रानी और ये सारी के सारे लोग हमारे सहयोगी हैं। तो कहने का मतलब है कि ये आपका संगठन बना दिया गया तो केवल संगठन बनने से काम नहीं चलता, अब संगठन का लाभ भी तो उठाना चाहिए और लाभ कब उठेगा जब हम उस संगठन की बैठक रेगुलर करेंगे। तो बैठक आप कब करेंगी, जो बैठक लोग जो हमारे प्रांतीय समन्वयक हैं जोन मतलब जोनल समन्वयक, उप जोन समन्वयक और जनपदी समन्वयक, तीन स्तर पर ये बैठक होंगी और ये तीन स्तर पर जो बैठक होंगी वो जनपद स्तर पर बैठक कौन करेगा,
जो जनपदी समन्वयक और सह समन्वयक है, और किसके साथ करेगा, जो उनके सहयोगी हैं। अब चाहे कोरोना की वजह से आप ऑनलाइन बैठक करिए, और जब कोरोना खत्म हो जाए तो चाहे तो आप वन टू वन कर सकती हैं। तो ये बैठक में आप क्या करेंगी, सब समीक्षा करेंगी कार्य की, सब कार्य आपके यहाँ क्या चल रहा है, किसका प्रशिक्षण हुआ नहीं हुआ, कौन आपके यहाँ प्रशिक्षण दे सकता है, कहाँ नया प्रशिक्षण चलाना है, जो प्रॉब्लम है वो इसमें सॉल्व करेंगी। फिर ये जो है ये पहले हफ्ते में हो जानी चाहिए, जनपदी समन्वय अपनी बैठक जो है ये पहले हफ्ते में कर ले। फिर उसके बाद ये जनपदी जो समन्वयक सह समन्वयक हैं, इनकी बैठक उप जोन के जो हमारे भाई लोग हैं बहने हैं वो करेंगे। तो उप जोन समन्वयक कब करेंगे, ये तो हर महीने करेंगी जनपदी समन्वयक, लेकिन जो उप जोन समन्वयक हैं वो हमारे जनपदी समन्वयक और सह समन्वयक के साथ एक माह छोड़ करके वर्ष में 6 बार बैठक करेंगे, और आपस में जो भी कमी है, आपस में जो कम बातचीत है, परेशानी है, उसको दूर करेंगे। और ये उप जोन समन्वयक जो है इनके इनकी बैठक जो है हमारे जोनल समन्वयक जो हमारे रमेश भाई जी हैं और संगीता बहन विष्णु भाई जोशी जी हैं, इन ये 3 माह में 1 बार करेंगी, वर्ष में 4 बार करेंगी, ये कम से कम है। इससे ज्यादा आप चाहे जब बैठक कर लीजिए, आपको कोई नया काम करना है उसको कर लीजिए, जो भी काम करना है आप इन बैठक में ये रेगुलर बैठक करिए, जनपद पे हर महीने, उप जोन पर 2 महीने में 1 बार, और जोनल जोन पर जो है 3 महीने में 1 बार बैठक करेंगे। अब आपने बैठक तो कर ली, लेकिन सूचना हमारे शांति कुंज कुछ आ नहीं रही है जो हम लोग मांगते हैं, तो वो सूचना का प्रेषित करेंगे। सूचना प्रेषण जो है वो आप करेंगे, हमको सबसे पहले जो हमारे जनपद वाले जो लोग हैं, जो जनपदी समन्वयक है, वो अपने सभी जो जितने भी सहयोगी हैं उनकी रिपोर्ट लेकर के प्रत्येक माह की 1 से 7 तारीख तक तैयारी कर लेंगे। और किस पे करेंगे, अभी वो भी बताते हैं कि किस फॉर्म पे आप लोग अपनी सूचना तैयार करेंगे जनपदी समन्वय। और उप जोन पे ये कब प्रेषित करेंगे, 7 तारीख तक प्रेषित कर दें, और उप जोन में जो है ये अपनी 7 से 10 तारीख तक पूरी सारे जनपदों की तैयारी करके ये जो है जोनल समन्वय को, मतलब रमेश भाई जोशी जी को और संगीता बहन जोशी को, ये अपनी जो है रिपोर्ट प्रेषित कर दें। किस तारीख को, 10 से 12 तारीख तक, ठीक है, 7 से 10 उप जोन में और 10 से 12 जो है ये जोनल समन्वयक अपनी तैयारी कर अपने पास इनके पास भेजते हैं। और ये जोनल समन्वयक जो हैं, ये जो हैं इनको टाइम दिया गया है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे जनपद हैं, बहुत सारे उप जोन हैं, तो और 2 हमारे जोन हैं, तो आपस में चर्चा करके 12 से 15 तारीख तक आप अपनी रिपोर्ट तैयार कर लीजिए। 15 तारीख से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, और 15 तारीख के बाद फिर आप अपनी रिपोर्ट पूरे प्रांत की 15 से 17 के बीच में आप शांति कुंज इसको भेज दीजिए। आपने अगर ये रिपोर्ट ना भेजी होती तो हम लोगों ने कैसे डेटा कलेक्ट किया होता, और कैसे वो रिसर्च पेपर तैयार हुआ होता, और कैसे पूरी दुनिया में इंटरनेशनल कांग्रेस में चला जाता, ये सब आपके सहयोग से होता है। और कब होता है, जब आप अपनी बैठक करते रहेंगे और जब आप अपनी रिपोर्ट की प्रेषण जो है बार बार करते रहेंगे। तो मतलब जनपद स्तर पर 1 से 7 तारीख तक, उप जोन में 7 से 10 तारीख तक, और जोनल समन्वयक के पास 10 से 12, और फिर वो आपस में दोनों बातचीत करके 15 तारीख तक तैयार करके 17 तारीख तक शांति कुंज भेज दें, और नहीं तो शांति कुंज 17 तारीख के बाद आप लोगों को बैठने नहीं देगा और आपसे बार बार मांगेगा, बार बार मांगेगा। और जब तक आप इनसे नहीं मांगेंगे तब तक आप कैसे भेजेंगे, तो आप इनको खटखटाइए, और आप जो है ये उपजोन वाले इनको जनपदों को देखते रहें, तो आपकी बराबर जो है जो भी शांति कुंज रिपोर्ट मांगेगा वो आप देते रहेंगे। तो अब आपको काम क्या करना है, आप लोग सोचते हैं कि गर्भोत्सव कार्यक्रम में केवल एक काम करना है कि गर्भ संस्कार कराना है,
तो केवल गर्भ नहीं संस्कार कराना है, इसमें हमें भाइयों की भी जरूरत है, हमें युवाओं की भी जरूरत है जैसा कि गुरुदेव ने कहा है, और हमें बहनों की भी जरूरत है और भाइयों की भी जरूरत है। इसीलिए प्रांतीय जोनल यहाँ से कार्यालय के द्वारा आप लोगों को भी, जोन के लोगों को भी यहाँ बुलाया गया है, और जोन के लोगों ने ये आपकी गोष्ठी रखी है जिसमें आपको ये सूचना दी जा रही है। तो इसमें तीन कार्यक्रम है, एक तो जन जागरूकता कार्यक्रम, ना केवल गर्भवती माता को, उसके पति को, उसके घर वालों को, पूरी जनता को, चाहे जिस भी जाति धर्म संप्रदाय का है, सबको आपको जा जा करके बताना है कि गर्भ कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, जहां से आप मनचाही संतान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जन जागरूकता कार्यक्रम जो सबसे पहला है कार्यक्रम, गर्भ का ज्ञान विज्ञान, साइंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ गर्भ, तो ये जो है आप इसको सब लोग बताना है, सबको बताना है, भाइयों को भी बहनों को भी। दूसरा है गर्भोत्सव संस्कार, गर्भोत्सव संस्कार जो आप कराते हैं, लेकिन ये थोड़ा पुंसवन संस्कार से फर्क है, तो वो अभी हम आपको बताते हैं। ये हमारी बहनें ज्यादातर करती हैं, जो भाई करते हैं वो भी इसमें रजिस्टर्ड हैं। तो अभी तक पुंसवन कहते थे आप, अब कृपा करके इसको गर्भोत्सव संस्कार कहिए, क्योंकि ये आंदोलन जो शांति कुंज का है वो गर्भोत्सव संस्कार है, और जो अभी हमने आपको बुक की पढ़ाया उसमें गुरुदेव ने इसका नाम गर्भोत्सव संस्कार कहा है। इसके अलावा जो तीसरा कार्यक्रम है, हमें उस तरीके के कार्यकर्ता चाहिए जो प्रशिक्षण दे सकें, वो भाई वो बहने, डिफरेंट प्रशिक्षण। अभी हमने चार तरीके के प्रशिक्षण बताए, एक तो जन जागरूकता कार्यक्रम का, दूसरा उनकी दैनिक दिनचर्या का, फिर योग व्यायाम प्राणायाम ध्यान का, फिर आहार का, और फिर गर्भ से संवाद का। ये जो लोग भी, चाहे वो बहने हैं, चाहे भाई हैं, चाहे टीचर हैं, चाहे जो है, वो लोग जो है ये प्रशिक्षण दें, कार्यकर्ताओं को भी और गर्भवती माताओं को। ये तीन तरीके के इसमें लोग चाहिए, और तीन तरीके का ये कार्यक्रम है, केवल सिंगल कार्यक्रम संस्कार नहीं। तो गर्भोत्सव संस्कार जो कार्यक्रम है, आप देखिए विदेशों तक पहुंच गया है, ये हमारा अमेरिकन है, ये इसको आश्वासन दे रहा है। देखिए सारे अमेरिकन, सारी हमारी यूएस की बहनें, ये सब इस काम को कर रही हैं। तो गर्भ संस्कार में और पुंसवन संस्कार में अंतर क्या है? गर्भ पुंसवन में आप फॉर्म नहीं भरती थी, तो जितने भी कार्य गर्भ संस्कार हो रहे हैं उनका सबका ये फॉर्म भरिए, गर्भोत्सव संस्कार का ये फॉर्म भरिए, गर्भवती माताओं का डिटेल लिखिए, और फिर इसमें बहुत सारी चीजें हैं, और वो चीजों के अलावा ये है कि उनके उनका ही नहीं बल्कि उनके घर वालों की जन्मतिथि विवाह तिथि लिखिए। क्यों? क्योंकि उनकी जन्मतिथि विवाह तिथि जब आती है तो उनसे आप संपर्क में रहिए, और जब उनके कोई बड़े, उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनकी सास जी, उनकी बहन का जन्मदिन आता है तो आप फोन करिए कि अरे आज तो आपकी बहन का जन्मदिन है, आपकी माताजी का जन्मदिन है, विवाह दिन है, तो हम आपके यहाँ जन्मदिन विवाह दिन मनाने आएंगे आपकी सास जी का। तो सास जी का तो उतने बूढ़े लोगों का तो मनता नहीं, तो आप उनको समझाइए कि विवाह दिन क्या होता है। तो फिर इस तरह से जो है वो आप इसको भरिए, और आत्मीयता का विस्तार करके वो आपके हो जाएंगे, क्योंकि जब उनका आप विवाह दिन मनाने जाएंगी तो जरूर आप देव स्थापना चित्र करेंगी, कुछ नहीं करेंगी तो हवन करेंगी, जो भी करेंगी दीप यज्ञ करेंगी, और फिर वो लोग खुश होंगे, आपके मिशन से जुड़ते हुए चले जाएंगे। दूसरा क्या अंतर है? गर्भवती माता की आदर्श दिनचर्या, आदर्श दिनचर्या का पालन करेगी तब मनचाही संतान प्राप्त करेगी। आदर्श दिनचर्या का पालन किसने किया था? कयाधु ने किया था, प्रहलाद की मां ने किया था। वो कहां चली गई थी? नारद जी के आश्रम में, नारद जी के आश्रम में चली गई थी। उनके पति कौन थे? हिरण्यकश्यप दानव। तो दानव का पुत्र कैसा हुआ? महामानव बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि दिनचर्या बदल गई, आश्रम की दिनचर्या आ गई, जैसे आपके शांति कुंज की है। तो आश्रम की दिनचर्या सुबह से शाम तक व्यस्त, वैसा ही आहार विहार, आचार विचार, संगीत, माहौल, वहां का वातावरण जब बदल जाता है तो महामानव बन जाता है इंसान। तो इसलिए दिनचर्या चार्ट दीजिए, और इस दिनचर्या चार्ट को रोज भरेगी, ये अंतर है आपका। इसके बारे में डिटेल आपको प्रशिक्षण में बताया जाएगा,
हमारी बहुत बहनों को आता भी होगा। तीसरा अंतर है कि आपको थोड़ा गर्म हो जाते हैं, इसमें जो है आपको किताबों का एक पैकेज देना पड़ेगा, जैसे शांति कुंज में दिया जाता है। उसमें ये तीन किताबें जरूर दीजिए, आओगढ़ संस्कारवान पीढ़ी भाग एक, हमारे उत्तराधिकारी और हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण। ये तीन किताबों का पैकेज दीजिए, वो अपने आप खरीदेंगी। आप अपने यहाँ एक पैकेज तैयार करिए, उसमें वो फॉर्म रखिए, आदर्श दिनचर्या चार्ट रखिए, ये किताबों का पैकेज दीजिए। अगर और खरीद सकती हैं तो ये बहुत सारी किताबें हैं, ये भी दे सकती हैं। इसके अलावा जब आश्वस्तना करते हैं तो ये संकल्प पत्र पढ़े जाते हैं। केवल ये नहीं कि आश्वस्तना करा दिया और खत्म। अब ये संकल्प पत्र वैसे पढ़े जाएंगे जैसे विवाह में हमारे पति पत्नी पढ़ते हैं। तो ये कौन पढ़ेगा? परिवार और पति के लोग आश्वासन देंगे उस बच्चे को और माता को कि हम आपके लिए वातावरण अच्छा बनाएंगे। तो ये संकल्प पत्र दीजिए, पढ़वाइए। ये संकल्प पत्र आपकी छोटी किताब आओ बने संस्कारवान पीढ़ी में भी है, तो ये अलग से भी दीजिए ताकि वो रोज इसको रात में पढ़े और फिर इस पे चलने का वो लोग प्रयास करें घर वाले। और ये गर्भवती माता के 16 है, तो ये 16 जो संकल्प है 15 इसको गर्भवती माता पढ़ेगी और इस पे चलने का प्रयास करेगी। ये करीब करीब वही संकल्प है जो कि आपके आदर्श दिनचर्या में लिखे गए हैं। तो इस पे चलने का जब प्रयास करेगी, जब रोज रोज पढ़ेगी, रोज रोज वो दिनचर्या चार्ट में टिक करेगी, तो ये मत सोच लीजिए कि सारी की सारी जो आपने महीने भर में 500 संस्कार कराए हैं तो 500 के 500 आपको भर के दे देंगे। मुश्किल से 50 देंगे, 10 देंगे, 5 देंगे, जो दे दें उन्हीं का ले लीजिए। सब आदमी थोड़ी ना भगवान बन जाएगा, कुछ लोग और भी होंगे। तो जो आपको दे दें उनको, लेकिन अपनी तरफ से आपको ये संकल्प कराना है, उनको फॉलो करना है। तो इस तरह से उसके बाद जब ये भी देंगी, जो कर जन्म के बाद जो है ये माइलस्टोन चार्ट है, ये शारीरिक मानसिक विकास का चार्ट है। ये बच्चे को जन्म से लेकर के 2 साल की उम्र तक ये भरा जाएगा और हर 3 माह पर वो आप उसकी रिपोर्ट जो है अपने पास रखेंगे। और 3 महीने पे ये वाली रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट जो है ये आप अपने पूरे पैकेज के साथ, और इसके साथ साथ ये एक वीडियो की लिस्ट है कि वो बच्चा जब से पैदा हुआ है तब से लेके कब कब वीडियो खींचना है उस बच्चे का, और माँ का ऑडियो कि हमने ये किया था तो मेरा बच्चा ऐसा है, ये किया था तो मेरा बच्चा ऐसा है। तो ये ऑडियो क्लिप और वीडियो क्लिप, ये सारी की सारी चीजें हर 3 महीने पे या 6 महीने पे ये शांति कुंज आएगी। और जब शांति कुंज के पास आएगी तो इसमें केवल वीडियो नहीं भेजना है, इसमें वीडियो में उस बच्चे का नाम, उसकी माता का नाम और उसकी उम्र, और ये किस तारीख को ये वीडियो खींचा है, उसके जन्म तिथि, और इसके साथ साथ उसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म और उसका आदर्श दिनचर्या चार्ट, पूरे जितने महीने उसने किए हैं, और उसके साथ ये लाके यहाँ भेजेंगे तो दूसरा रिसर्च पेपर जाएगा। क्या? कि गर्भवती माता ने जब आदर्श दिनचर्या को फॉलो किया तो उसका बच्चे में कैसे उसका शारीरिक मानसिक विकास हुआ, शारीरिक विकास विकास और मानसिक विकास जल्दी हुआ कि डिले हुआ, तो ये इसके ऊपर भी रिसर्च करना है। और आप भी अपने यहाँ शक्तिपीठों पे अपने यहाँ बता सकते हैं कि देखिए ये गर्भवती माता ने ऐसा किया तो इसका बच्चा ऐसा हुआ, तो उससे भी आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी, आपके लोग समझेंगे। तो इस तरह से इतनी चीजें, इसमें ये अंतर है आपका। तो ये मत सोच लीजिए कि पुंसवन संस्कार ही तो था जो हम कराते थे, ये है आपका गर्भ संस्कार। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बहनें हमारी ये सब फॉर्म नहीं भरा सकती वो गर्भ संस्कार का संस्कार ना कराएं, वो जरूर कराएं, कम से कम कुछ तो असर होगा ही, लेकिन जो करा सकती हैं वो इतना काम जरूर करें। अब आया जन जागरूकता कार्यक्रम, हमने कहा जो भाइयों को भी कर सकते हैं। अब भाई लोग कर सकते हैं तो कहाँ कहाँ करेंगे,
आप जैसे कि स्वास्थ्य विभाग की कार्यकर्त्री होती हैं, एनएम्स होती हैं, एचवी होती हैं, आशाएं होती हैं, इनके यहाँ सब आती हैं, हमारी गर्भवती माताएं, तो स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करके इनके यहाँ आप जा सकते हैं, इनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। महिला बाल विकास में हमारी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर और उनकी सहायिका होती है, उनके डीपीओ होते हैं, उनकी सीडीपीओ होती है, उनसे संपर्क करके हमारे अन्य प्रांतों में लोगों ने किया है, आपके यहाँ भी लोगों ने किया है, तो वहां बहुत सारी गर्भवती माताएं आ जाती हैं, और सरकार ने भी गोद भराई कार्यक्रम चलाया है, तो उसमें भी जाकर के आप इस काम को कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स की एसोसिएशन होती है, लेडी डॉक्टर्स की, जो हमारी डॉक्टर बहने हैं हमारे गुजरात प्रांत की, वो इसमें जाकर के बता सकती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ हो रहा है नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में शांति कुंज का रिप्रेजेंटेशन हुआ है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में, और जो प्रांतीय हमारी मेडिकल एसोसिएशन है वहां जा करके, और नर्सिंग कॉलेजेस में जितने भी क्लब्स हैं, रोटरी है, इनर व्हील है, जो भी क्लब्स हैं, वहां पे हमारे भाई लोग जा करके उनसे संपर्क करके उनके बीच में कर सकते हैं। अनेकों महिला संगठन है हमारा, जैसे आरोग्य भारती, आयुष अभ्युदय है, आरएसएस के संस्कार भारती है, स्कूल में कॉलेज में बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोग चला रहे हैं, तो सबको कोशिश करना चाहिए। विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेजेस में आप देखिए, अभी हमने आपको बताया कि एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेट, एडवांस सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, ये सारी के सारे कोर्सेज चल रहे हैं कई में, आप भी गुजरात प्रांत में ऐसा कर सकते हैं। आपके गवर्नर साहब तो बहुत अच्छे हैं, गायत्री परिवार को मानते हैं, तो हमारे जो प्रांतीय समन्वयक है, हमारे जो अश्वनी भाई जी हैं और जो रमेश भाई जी हैं, आप तो मिल करके और कह करके कुछ मेडिकल कुछ जगह जा करके इस काम को कर सकते हैं, पता नहीं क्या। इसके अलावा तमाम समाज हैं, धार्मिक जाति संगठन, ब्राह्मण क्षत्रिय अग्रवाल, अनेक संगठनों में कार्यक्रम होते रहते हैं, हमारे भाई लोग करा रहे हैं, जहां भी नौ दंपत्ति हैं, परिवार के लोग हैं, किशोरियां हैं, कन्या कौशल शिविर, और हमारे सरकारी में भी बहुत ही ज्यादा किशोरियों के ऊपर जोर दिया जाता है, वहां जाके बता सकते हैं, गांव में प्रधानों से मिल करके, और शक्तिपीठ, प्रज्ञा पीठ, महिला मंडल, प्रज्ञा मंडलों में हम तो सभी अपने जो आपके संगठन के प्रभारी हैं, जो शक्तिपीठ के ट्रस्टी जी हैं, जितने लोग हैं, हम तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी शक्तिपीठ, प्रज्ञा पीठ, महिला मंडल के बाहर एक बड़े बड़े पोस्टर होल्डिंग लगाइए, और वहां पे वो जो शांति कुंज का छपा हुआ है पोस्टर, इसको आप बड़े बड़े उसमें छापिए और नीचे लिखिए, यहाँ पे हर माह के एक रविवार कोई चुन लीजिए, सामूहिक गर्भ संस्कार कैसी संतान के लिए, जो प्रखर प्रतिभाशाली गुणवान संतान है, यहाँ पहले इतवार को गर्भ संस्कार सामूहिक चलता है, और कोई एक और दूसरा इतवार और सैटरडे ले लीजिए कि यहाँ पे गर्भवती माताओं का प्रशिक्षण चलता है। इस तरह से आप इसका प्रचार करिए, इसको चौराहों पे, अस्पतालों में, जहां जहां भी आपको मौका मिले वहां टांग सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डेज आते हैं, जैसे कि महिला दिवस 8 मार्च को, मातृत्व दिवस, मदर्स डे 8 मई को, और ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो होता है 1-7 अगस्त को, और तमाम सारी कथाएं भी हमारे भाई बहन कहते हैं, प्रज्ञा पुराण, सत्यनारायण कथा हम लोग की है, भागवत पुराण भी बहुत लोग कहते हैं, उसके माध्यम से आप ये बात लोगों तक पहुँचा सकते हैं। ऑफिसेज में जाकर के, इंडस्ट्रीज में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, सामाजिक समूह मंडलों में, मतलब एक इसका कुछ नहीं है कि आप एक ही जगह जाकर के ढूंढिए कि आंगनवाड़ी के पास जाएंगे और हम वहां जाएंगे और ये करेंगे, ये नहीं, आपके जो अपने आते हैं उनके बीच में, और ये अवेयरनेस प्रोग्राम तो आप हर जगह चला सकते हैं, तो मीडिया के माध्यम से कैसे करेंगे ये भी सब इसमें है, जो भी मीडिया है, मतलब इवेंट आप समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में तो एक भाई ने मूविंग वैन दे दिया है और उसमें बराबर LCD लगा हुआ है, वो लोग उसके माध्यम से अलग अलग जिले अपने बुलाते हैं और इसका प्रचार करते हैं, जनरल में या हमारे जितने भी पेपर्स आते हैं, न्यूज़पेपर, उसमें हर जगह इसका जो है आप अपना निकालते रहिए कि गर्भवती माता के कैसे सुनती है और कैसा बच्चे में गुण पैदा किए जाते हैं। प्रचार कैलेंडर इसके लिए
लिए बना दिया गया है, और नुक्कड़ नाटक और रंगोली के माध्यम से, बच्चों में डिबेट के माध्यम से ये अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाया जा सकता है, जो आपको हमने नंबर वन का बताया। तो शांति कुंज में ये देखिए ये बैनर बना है, इसको आप अपनी शक्तिपीठों के बाहर लगा सकते हैं। ये होल्ड, ये जो है हैंगर है, इसको कहाँ लगा सकते हैं कि अगर ऐसा बच्चा चाहिए तो आप हमसे संपर्क करिए, यहाँ संपर्क सूत्र लिखिए, आप गुजराती में छाप लीजिए, आपने छापे भी हैं, तो इसको दवा की दुकान पे, पान की दुकान पे, कपड़े की दुकान पे, डॉक्टरों के यहाँ, अपने घर में, जहां भी आपके दोस्त हैं वहां पे टांगिए, ताकि लोग पढ़ें और आपके पास आएं। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं, ये करिए। ये हमारे ब्रोशर्स हैं, इसको जगह जगह बांटिए, डॉक्टरों के बीच में दीजिए, यहाँ अपना संपर्क सूत्र लिखिए, और इसमें पूरा है कि गर्भवती माता को एक अच्छा बच्चा कैसे प्राप्त होगा। ये छोटे छोटे पत्रक हैं, जो कि मुश्किल से 100 रुपए में, हमारे ख्याल से 1 रुपए के भी नहीं पड़ते, ये कहीं भी मेले में जगह जगह इसको बांटिए, अपना संपर्क सूत्र लिखिए, और ताकि लोग आपसे संपर्क कर सकें। ये है आपका प्रचार कैलेंडर, जिसमें पूरा लेक्चर, साइंस एंड सिग्निफिकेंस, आहार, व्यायाम, ये सब इसमें, आप इसके माध्यम से, आपके यहाँ भी बना है, गुजराती में बना है, शायद अहमदाबाद में छपता है, तो ये आपको हमारे भाई बताएंगे। अभी सबसे लास्ट में हमारी संगीता बहन बताएंगी कि उनका क्या विचार है, कैसा करना है, कब इनको जो है ये इसका जो है प्रशिक्षण की गोष्ठी कब रखनी है इनको, इनका हमने डेट दिया है कुछ, तो वो भी आप सब इसके बारे में लास्ट में बताएंगी, और ये प्रचार कैलेंडर वगैरह कहाँ बन रहा है इसके सब के बारे में बताएंगी। ये स्टिकर्स हमारे यहाँ से बने हैं, और ये आपके गुजराती में भी बन गए होंगे, इसका एक आंदोलन चला दीजिए, जैसे स्टिकर आंदोलन पहले चला था। और ये देखिए मीडिया के माध्यम से कहाँ कहाँ, कॉन्फ्रेंसिंग से, रेडियो से, ब्लॉग से, इंस्टाग्राम से, और ये हर मूविंग बैंक से, इससे भी आप इसका प्रचार कर सकते हैं। तो इस तरह से है आप गर्भवती माताओं का और कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, ये तीसरा कार्यक्रम है, इसके लिए भी आपका प्रशिक्षण होगा। ज्योत्सना जी किस तारीख में? 15 मई से 23 मई आपका प्रशिक्षण रखा गया है, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो लोग प्रशिक्षण नहीं भी देंगे वो भी उसमें रहें, कि कैसे हम उसमें गर्भ संस्कार कराएंगे कैसे, क्योंकि अभी तक तो पुंसवन चलता था, तो गर्भ संस्कार कैसे कराएंगे, उसमें कब क्या करेंगे, कैसे पैकेज देंगे, ये सब बताया जाएगा। तो ये 15 से 23 के बीच में आप लोग रहिएगा। अब आप देखिए लड़कों में, लड़कियों में जा करके, और ये आंगनवाड़ियों के बीच में, उससे क्या है, देखिए आंगनवाड़ी हमारी सुपरवाइजर है, ये अपने यहाँ आंगनवाड़ी जो है वहाँ सारी मुसलमान बहनों को बता रही है आपको क्या खाना है, कौन सा योग व्यायाम करना है, कैसे आप अच्छा बच्चा। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में देखिए श्रद्धेय डॉक साहब गए हैं, और श्रद्धेय डॉक साहब ने हमारा अपना विचार यहाँ पे दिया है कि हाँ कैसे एक बच्चे को, अब डॉक्टरों इंटरनेशनल देखिए सब अमेरिकन लोग हैं, और ये सारी हमारी मुसलमान बहनें इसको सुन रही हैं। तो ये धर्म जाति संप्रदाय से ऊपर उठ करके ये आपके आपकी इंटेलिजेंस शो करे कि भाई हम कहाँ कैसे बताएं क्या बताएं, हर जगह आप हवन कराने लगेंगे तो थोड़ी ना लोग करेंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि माँ की दिनचर्या बदल जाए, माँ के विचार बदल जाए, माँ का व्यवहार बदल जाए, पति का और उनके घर वालों का विचार अच्छा हो जाए, उनका वातावरण अच्छा हो जाए। ये है मतलब यज्ञ कराने का, संस्कार कराने का मतलब, संस्कार का मतलब गुण, गुणों को दे देना। तो गुणों को कैसे देंगे, जब बताएंगे करेंगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो यज्ञ करें, आप यज्ञ ना कराइए। वो खीर नहीं खाती वो सेवई ही खा सकती है, वो दीपक नहीं जलाएंगी वो लोहबान जला सकती है, वो पंचदेव चित्र नहीं रख सकती है तो अपना जो भी उनके इष्ट हैं उनका चित्र रख सकती हैं, लेकिन मैसेज हमें देना है कि अब आपको करना क्या है। इसलिए इसमें हमारी मुसलमान बहनें भी जुड़ती चली जा रही हैं। आप देखिए रोटरी क्लब में ये हमारी कार्यकर्ता बहनों का प्रशिक्षण है, ये गर्भवती माताओं का, ये कार्यकर्ताओं का, और देखिए कितना हमारे डॉक्टर लोग भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, अपने क्लिनिक में ये देखिए ये लगा देते हैं और क्लिनिक में ये उनके चल रहा है। इसी तरह से वहां हमारी कार्यकर्ता भाई लोग पहुंचते हैं और सारी बहनों को इसके बारे में बता रहे हैं। अब आपको रिपोर्ट प्रेषण की बात हमने बताई, तो रिपोर्ट प्रेषण कैसे करेंगे, रिपोर्ट प्रेषण जो है हमारे जनपदी समन्वयक जो है उनको, वो अपना नाम लिखेंगे और आप अपना उनका मोबाइल नंबर होगा, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पहले मिला है, जब तक नया नहीं मिलता तो यहाँ पे लिखेंगे आप,
और उसके बाद जितने भी आपके सहयोगी हैं, साथ नहीं सारे, जितने 25, 50, 100 सबके नाम लिखेंगी और सबने क्या क्या काम किया है। अब इतने काम करने हैं हमारे सहयोगियों को भी और आप लोगों को भी। क्या जन जागरूकता कार्यक्रम कितना कराया, पिछले माह कितना कराया, इस माह कितना कराया और कुल कितना कराया, कितने गर्भ संस्कार कराए, पिछले माह कितने कराए, इस माह कितने कराए, कुल कितने कराए, प्रशिक्षित किए गए कार्यकर्ताओं की संख्या पिछले माह, इस माह और कुल कितनी हुई, प्रशिक्षित गर्भवतियों की संख्या पिछले माह, इस माह और कुछ। अब आप समझ लीजिए कि कुछ बहनें होंगी खाली गर्भ संस्कार करा लेंगी, कुछ भाई लोग होंगे खाली जन जागरूकता कार्यक्रम करा लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। तीन में से जो भी काम कोई भी कर रहा, बहुत सारी डॉक्टर्स बहनें होंगी वो प्रशिक्षण दे पा रही होंगी, वो संस्कार नहीं करा पा रही होंगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हमारा काम नहीं कर रही है। तीन में से कोई भी जो काम कर रहा है उसको आप यहाँ मेंशन करेंगी। आदर्श दिनचर्या चार्ट देने वाली बहनें कितनी हैं, पिछले माह कितनों ने दिया, क्योंकि जो सब संस्कार करा लेंगी वो आदर्श दिनचर्या चार्ट भी नहीं भरेंगी, तो उसमें कितनी थी, कितना इस माह, कुल कितना, बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास देने वाली कितनी बहनें हैं, और फिर अन्य कोई विवरण, जैसे आप अपना वीडियो क्लिप भेजती हैं या आप ऑडियो मदर का भेजती हैं, तो वो सब यहाँ मेंशन करके और 1 से 7 तारीख के बीच में अपनी जो उप जोन समन्वयक है उनको पहुंचा देंगी। इसी तरह से जो हमारे अब जो जोनल समन्वयक हैं वो उनका जो है ये वाला है, इस पे आता भी है, संगीता बहन और हमारे सुरेश भाई, रमेश भाई जोशी जी भेजते भी हैं, तो इसमें केवल जनपद का नाम होगा और ये सारे हेडिंग्स वही होंगी कि इस जनपद में कितना काम हुआ, इसमें कितना टोटल कितना हुआ, हमको इससे मतलब है यहाँ पे, क्योंकि इसी का हर महीने जीजी जो है समीक्षा करती हैं और पूछती हैं कि इस प्रांत में क्या हुआ, और जिस प्रांत का बहुत अच्छा हो जाता है तो आपको आशीर्वाद मिल जाता है जीजी का, तो इस तरह से ये काम होता है।